दोस्तों, अगर आप ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में बहुत जल्द धमाल मचाते नजर आएंगे ऋषभ पंत। बीसीसीआई ने जैसे उनकी वापसी करवाई या विकेट कीपर बल्लेबाजी तो फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी खुशी काबू में नहीं कर पाए और फिर अब खुद धोनी से लेकर रोहित और कोहली पर कुछ ऐसा कह गए जिनकी बातें सुनकर आप इस खिलाड़ी को दिल से सलाम करेंगे। तो आखिर दिल्ली की टीम में वापसी करते ही ऐसा क्या कह गया ऋषभ पंत जिनका बयान देखते ही देखते वायरल हो गया, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पंत और ईशान किशन में कौन दूसरा धोनी बनने के काबिल है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 2022 दिसंबर की वह खौफनाक शाम कौन भूल पाया है जब पूरा भारतीय क्रिकेट माता में छा गया था। जी, आपको याद ही होगा कि दिसंबर 2022 में पंत दिल्ली से अपने घर ऋषिकेश जा रहे थे, जहां देहरादून के करीब हाईवे पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से उनका गंभीर एक्सीडेंट हुआ। पंत की गाड़ी अचानक अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से जाकर टकराई और पलटी खा गई। कुछ ही पल में कार में आग लग गई। पंत ने हाथ से कार का कांच तोड़ा और बाहर निकले। भारतीय क्रिकेटर को करीब अस्पताल ले गया गया और फिर आगे चलकर उनका सही उपचार और सर्जरी करवाई गई। इस दरमियान ऋषभ पंत को कई रिहायब कार्यक्रम से गुजरना पड़ा। वह इस दौरान क्रिकेट एक्शन से दूर रहे और फैंस ने उन्हें काफी मिस किया। लेकिन अब उनकी वापसी का इंतजार खत्म हो चुका है, या कहें बहुत जल्द खत्म होने वाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को ऐतिहासिक घोषणा की और ऋषभ पंत आगामी आईपीएल खेलने के लिए पूरी फिट हैं। ये खबर सामने आते ही मानो पूरा भारतीय क्रिकेट खुशी से झूम उठा। पंत जल्दी ही दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ेंगे और अपनी पुरानी फॉर्म वापस पाना चाहेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2024 में अपने अभियान की शुरुआत 23 मार्च को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के साथ करेगी और ये मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा। और पंत का बल्ला चलने देखने के लिए हर कोई बेकरार है। आखिर यह टीम इंडिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋषभ पंत के पास आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के जरिए टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह पाने का गोल्डन चांस भी होगा, जो इस साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में होगा। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए ऋषभ पंत को 14 महीने के रिहैब और रिकवरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद फिट करार दिया जाता है। इसके बाद तो खुद ऋषभ पंत भी बेहद खुश थे। आखिर वो भी क्यों ना, उन्हें इतने समय बाद दोबारा वापसी करने का मौका जो मिला है। बीसीसीआई की घोषणा के बाद 26 साल के पंत ने इंस्टाग्राम पर खुद की फोटोज पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, मुस्कुराते रहिए। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चंद लम्हों में वायरल हुआ और फैंस ने पंत की वापसी पर खुशी जाहिर की है। वहीं ऋषभ पंत ने इसके लिए धोनी को भी धन्यवाद कहते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। जी हाँ, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, लोग मुझे दूसरा धोनी बुलाने लगे। मैंने सोचा कि मैं शायद माई भाई को सपोर्ट करूंगा, लेकिन उस एक्सीडेंट ने मेरे लिए सब कुछ पलट दिया। हालांकि मैंने भी आज तक माई भाई का पीछा छोड़ने का सपना नहीं तोड़ा। मेरे मुश्किल दौर में उन्होंने मेरा बखूबी साथ निभाया। रोहित भैया और विराट कोहली ने भी मेरा ख्याल रखा। इन तीनों ने जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया, मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये तीनों इतने दिग्गज खिलाड़ी होने के बावजूद मेरी इतनी परवाह करते हैं। वह ग्रेट है। जी हाँ दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मैं धोनी भैया के सपोर्ट के लिए उन्हें थैंक यू कहना चाहूंगा और बेहद एक्साइटेड हूँ दोबारा विराट और रोहित भैया के साथ खेलने के लिए। मैंने उन्हें काफी मिस किया। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ टी20 वर्ल्ड कप खेलूँ और जल्द से जल्द अपने देश को वर्ल्ड कप दिलाऊँ। जी हाँ दोस्तों, ये बयान देते पंत तो केवल भावुक हो गए, जिनकी बातें हर किसी को खूब पसंद आई। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, रोहित और विराट में कौन है आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाएगा या फिर अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी नई नई धमाकेदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।